मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। बाहर से लाए जा रहे मजदूरों की जांच कराके उनको उनके घर तक भेजने का प्रयास शासन कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। मजदूरों की घर वापसी को लेकर प्रशासन इन दिनों परेशान। घर जाने की जल्दी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं मजदूर। देखिए यह रिपोर्ट। मजदूरों का पलायन विस्थापन लगातार जारी रहने पर सरकार ने अब उनको उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसी के चलते रीवा पहुंच रहे मजदूरों को पहले मारतंड स्कूल में एकत्र किया जा रहा है, उसके बाद कुछ लोगों को रीवा के जिला अस्पताल में तो कुछ लोगों की जांच मारतंड स्कूल में ही की जा रही है। भारी संख्या में पहुंच रहे मजदूरों को संभालने में प्रशासन को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। सर्वाधिक मजदूर महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रास्ते आने वाले मजदूरों की संख्या भी कम नहीं है। अभी तक 22,000 से ज्यादा मजदूर अन्य प्रदेशों से आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र बॉर्डर में 16,000 से ज्यादा लोग अभी तक फंसे होने की सूचना प्रशासन को मिल रही है। इनको लाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। जांच के बाद उसको जरूरत पड़ने पर क्वारंटाइन भी किया जाएगा। शेष को उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। यह अलग बात, इस दौरान कुछ अव्यवस्थाएं भी देखी गई। सबसे बड़ी अव्यवस्था जांच के लिए लाए गए लोगों की जिला अस्पताल से मारतंड स्कूल तक पैदल वापसी रही। हालांकि यह संख्या कम थी, फिर भी बड़ी लापरवाही सामने आई। सूरत से आए लोगों ने अपनी आप बीती कुछ इस तरीके से सुनाई। आए थे सुबह से, यहाँ पे 7 बजे से खड़े थे और खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं। यहाँ पर जो है तो खड़े खड़े घाम धूप में खड़े खड़े चक्कर आने लगा और जो है तो आदमी भोजन के लिए कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है और जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं दिख रहा है। अगर सुविधा सरकार देना है तो जो भी, अगर सुविधा नहीं दे रही है तो पैदल ही जाना पड़ेगा हम लोग। अब जाएंगे यहाँ पे 100 किलोमीटर दूरी है मध्य प्रदेश चाकघाट। सर वहाँ हम लोग गुजरात से आए हैं तो अभी वैसे 4 दिन में 48 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं और प्लस रास्ते में खाने का कोई कुछ नहीं था और जो जहाँ पे मिलता था तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं 150-200 रुपये में खाने मिल रहे थे। हम लोग आए वहाँ पे अभी 4 दिन से खाए नहीं, यहाँ पे आए लगे थे पर्ची कटवाने, हज़ारों पब्लिक की, एक बंदा पर्ची काटने वाला था। हम लोग वहाँ सबसे बोले कि सर कम से कम 1-2 आदमी करवाइए तो जल्दी होएगा। वहाँ पे सर धूप में आदमी गिर रहे थे, चक्कर आता था, सर क्या करते, आप भी बताइए सर। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस आए हम लोग करवा के अभी जा रहे पैदल, जाएंगे गाड़ी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। गुजरात से 4 दिन बाद आया हूँ। खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी अभी तक भी, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। अभी थोड़ी टाइम देने के बाद 7 बजे से अभी तक में हम लोग खाली हुए हैं जाँच करवा के। अब इसके बाद हम लोग का काम यह है कि यहाँ से सुविधा हम लोग को मिलती है या नहीं मिल रही है। अगर शासन सुविधा देगी तो हम लोग घर जाएंगे, नहीं जैसे हम लोग गुजरात से आ गए हैं तो वैसे हम लोग तो यहाँ तक जा ही सकते हैं। 4,000 रुपये हम लोग वहाँ से किराए देंगे, 4,000 रुपये हम लोग वहाँ से टेम्पो में देकर आए हैं। यहाँ तक जाने के लिए मिलेगा सही है, नहीं तो हम लोग अपने से ढाबा में खाए। हम लोग सूरत से आए हैं 2,500 रुपये दे के अपने भाड़े से और हम लोगों का हॉस्पिटल में जाँच हो गया है। यहाँ से जाने के लिए हनमना तक जाएंगे, रीवा में जांच हुआ है, हनमना तक जाएंगे, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। 3 दिन से खाए पिए नहीं हम लोग, तो हम लोगों की क्या परेशानी सुलझ जाएगी। सूरत से आए दादी थी, सूरत से आए हो, कहाँ जाओगे? ये तो सिमरिया जाना है, बड़ी सिमरिया। कब चले थे ये? 1 तारीख को चले थे, शाम को 7 बजे। कहे से? ये ट्रक था, ट्रक में आए से, ताती थैया से चला था 1 तारीख को टेम्पा से, 70 आदमी और अभी कोनी पंचायत थाना त्रैला थाना ब्लॉक जबा वहाँ जाना। कहाँ जाना है? ग्राम चांद कोनी पंचायत कोनी कला। यहाँ लगभग एक दिन में मेरे हिसाब से कल के करीबन 1500 लोग आए हैं, आज अभी 700-800 लोग अभी तक आ चुके हैं। और यहाँ की अभी हमने जो रिपोर्ट यहाँ की ली लोकल है, और हमारा 5 टीमें वहाँ लगी हुई है, मारतंड स्कूल में भी लगी, मारतंड क्रमांक 3 में वहाँ पे भी चल रहा है, 5 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। कल शाम के मैं वहाँ गया था, हालांकि उस समय डॉक्टर्स तो थे लेकिन केस नहीं थे, कुछ लोग जो रुके हुए जरूर पाए गए थे, जो रुक गए थे जिनको सुबह आज जाना था। लगातार लगभग 9 टीमें हमारी चल रही हैं हर जगह मिला करके, रीवा पे हेडक्वार्टर पे।
कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।